मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। आई एक्सपेक्ट एज वेल एज होप फ्रॉम यू, यू आर गोइंग थ्रू द नोट्स प्रोवाइडेड टू यू और द वीडियोस प्रोवाइडेड टू यू थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। गो थ्रू दीज नोट्स केयरफुली एंड देन आफ्टर व्हेन एवर यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन रेज योर क्वेरीज ऑल्सो। बट मेक श्योर इफ यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर वर्क with time or according to the videos uploaded, you will not face any problem if you are going to collect them and you are going to do it in the last or after 15 or 20 days, then you will feel that it's a complete burden and we are not getting anything. अगर हमने ये सोचा कि चलो 5-10 15 मिनट इकट्ठे हो जाए तो उसके बाद देखेंगे, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, 15-20 मिनट की क्लास में केवल, तो उसके बाद हमारे पास बर्डन बढ़ जाएगा और बर्डन बढ़ने के साथ ही हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा उस सारे को कंप्लीट कर पाए और उस सारे चीज को समझ पाए, तो साथ साथ कंप्लीट करें इनको। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हु इंस्पायर्ड दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो क्रांतिकारी को इंस्पायर किसने किया, तो उसमें हमने महत्वपूर्ण दो नाम पढ़े थे, एबेसियस और मिराबो। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि उसके अलावा भी कुछ हमारे पास ऐसे फिलोसफर्स रहे जिनके विचारों ने काफी कुछ प्रभावित किया, दे इन्फ्लुएंस द रिवॉल्यूशन और इवन इंस्पायर्ड द रिवॉल्यूशनरीज। उनमें पहला जैसे जॉन लॉक, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी टू ट्रीटाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट। इस बुक के अंदर उन्होंने क्रिटिसाइज, आलोचना की, रिफ्यूट, खंडन किया राजा की उस पावर का, कौन सी पावर, विच इज एब्सोल्यूट, कि द किंग इज रूलिंग विद एब्सोल्यूट पावर, की राजा की पावर के ऊपर कोई भी अंकुश नहीं, वो अपनी मर्जी से शासन करता है, नो वन इज गोइंग टू चेक हिज पावर्स। तो उन्होंने बोला था कि पावर ऐसी नहीं होनी चाहिए, देयर मस्ट बी सम फाउंडेशंस और राजा अपनी मर्जी से शासन नहीं करे। राजा को ऐसा कोई दैवीय अधिकार नहीं है, ही हैज नो डिवाइन पावर टू रूल, कि ऐसा नहीं है राजा इस प्रकार अपने आप को कंसिडर करता था कि ही हैज गिवन पावर बाय द गॉड और ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, कि पृथ्वी के ऊपर वो इसका प्रतीक है भगवान का, तो उसकी आलोचना की। उसके बाद जीन जैक रूसो, इन्होंने अपनी बुक लिखी था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें इन्होंने माना कि शासन किस प्रकार चले, बाय द कंसेंट ऑफ द पब्लिक, पब्लिक शुड बी इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी बात रखने में सक्षम होना था, उसके द्वारा शासन चलाया जाए, जनता और शासन का आपस में सहमति का शासन चलने की व्यवस्था हो, एक अच्छा संबंध हो। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था कौन सी होगी, इट इज पॉसिबल ओनली इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में ऐसा पॉसिबल है, लोकतंत्र में ऐसा पॉसिबल है कि लोगों की राय के साथ शासन चले। तो एक तरह से मॉडल किसकी आलोचना की, द मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एब्सोल्यूट मोनार्की। अब तीसरे मोंटेस्क्यू, इन्होंने अपनी बुक लिखी द स्पीड ऑफ द लॉज, स्पीड ऑफ द लॉज, इसमें इन्होंने मेंशन किया था देयर मस्ट बी सम डिविजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट, सरकार के अंदर ही पावर्स का विभाजन हो, एक व्यक्ति सारे डिसीजन नहीं ले, और किस प्रकार है वो आज भी इंप्लीमेंट हो रहा है, वी हैव टेकन दैट आइडिया फ्रॉम दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एडॉप्टेड दैट आइडिया ऑफ मोंटेस्क्यू। क्या है कि पावर का विभाजन विद इन द गवर्नमेंट कैसे हो रहा है आज भी, कैसे, ये देखो लेजिस्लेचर, हमारे यहां तीन ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, तो हमने पावर को डिवाइड कर दिया, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये विचार किया गया था मोंटेस्क्यू ने, किस प्रकार का विभाजन हो सरकार के अंदर, लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉज, कानून बनाने के लिए अलग, एग्जीक्यूटिव टू इंप्लीमेंट द लॉज, इंप्लीमेंट करने के लिए अलग बॉडी हो, जुडिशरी ए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन टू टेक डिसीजन इफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, अगर कुछ गलत लग रहा है, डिस्प्यूट इज अराइजिंग, अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए जुडिशरी हो, ये मोंटेस्क्यू के विचार है। अब इन सारे विचारों को डिफरेंट प्लेस, लाइक इफ यू आर गोइंग टू ट्रिम योर हेयर सेट सैलून, वहां लोग बैठे हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास के ज्यादातर है, तो वहां लोग बैठे डिस्कस करेंगे आइडियाज को, हु आर एबल टू रीड वो उनको पढ़ रहे हैं, हु आर नॉट एबल टू रीड और इलिटरेट देन दे कैन हियर एंड दिस कैन बी रीड अलाउड, तो उनको सुन के उनसे बाद इंस्पायर हुए राजा के शासन एब्सोल्यूट मोनार्की के खिलाफ। तो इस प्रकार इन सारे विचारों को पब्लिक प्लेस पर, कॉफी हाउस, इन सैलून पर डिस्कस किया गया और पब्लिक उससे इंस्पायर हुई। और ये जो व्यवस्था है लेजिस्लेचर, ये और ये तो मोंटेस्क्यू के जो विचार थे, इसको तुरंत जब 13 कॉलोनीज वर फ्रीड फ्रॉम ब्रिटेन, यूएसए 13 कॉलोनीज, तो अमेरिका की 13 कॉलोनी आपने शुरुआत में पढ़ा था,
कि ट्रेजर खाली क्यों हो गया फ्रांस का, 13 कॉलेज को फ्री कराया गया था फ्रांस के द्वारा अमेरिका की ब्रिटेन से, तो उसको तुरंत उन 13 कॉलेज को इंप्लीमेंट कर दिया गया। यानी जैसे ही वो फ्री हुई उनका खुद का शासन हुआ, उन्होंने इस व्यवस्था को इंप्लीमेंट कर दिया था। तो इसे बाकी देश भी इंस्पायर हुए और फ्रांस के अंदर भी रोशनी जी ने अपनी बात रखी कि ऐसा हमारे इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो सकता। अब आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन जो टॉपिक, इसके आपका एक टॉपिक है आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन की क्रांति की शुरुआत। अब उस क्रांति की शुरुआत में अब शुरुआत हुई कैसे, तो अब वन बाय वन वी आर गोइंग टू रीड द इवेंट, एक एक करके इवेंट पढ़ेंगे। पहला इवेंट हुआ 5 मई को, 5th ऑफ मई 1789। ये 1789 सब में कॉमन है, ये 1789 पहले 5th मई को लुई 16 कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल टू इंक्रीज द टैक्सेस। 5th मई 1789 को लुई 16 ने एक मीटिंग बुलाई स्टेट जनरल की, जिसके अंदर किसका प्रस्ताव रखा गया, टैक्स बढ़ाया जाए क्योंकि इतना सारा खर्चा पूरा करने के लिए, सेना का खर्चा पूरा करने के लिए, अपने दरबार का खर्चा पूरा करने के लिए, और टैक्स इंक्रीज करने की जो प्रक्रिया थी, व्हाट वाज द प्रोसेस, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्लर्जी नोबल्स एंड थर्ड स्टेट आर गोइंग टू कम टूगेदर टू इंक्रीज द टैक्सेस, बट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज वन वोट ओनली। हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक वर्ग का जो एक ही वोट होता था, नॉट इंडिविजुअल 10 वोट, प्रत्येक व्यक्ति का वोट नहीं था, पूरे ग्रुप का एक वोट था। तो उसमें नोबल्स और क्लर्जी, आपने पहले पढ़ा टैक्स तो देना ही होता, तो टैक्स पढ़ना कंफर्म था क्योंकि मेजोरिटी थी। तो 5th मई को उन्होंने मीटिंग बुलाई, तो 300 फ्रॉम नोबल्स, 300 फ्रॉम क्लर्जी, बट 600 फ्रॉम थर्ड स्टेट। अब जो वोटिंग की बारी आई, तो वोटिंग के टाइम पर थर्ड स्टेट ने डिमांड की इंडिविजुअल वोटिंग शुरू भी दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार हो और उसके बाद टैक्सेस को इंक्रीज करने का डिसीजन लिया जाए। अगर ऐसा होता तो टैक्स नहीं बढ़ते। व्हाई? बिकॉज़ दे विल बी इक्वल, 300 नोबल्स, 300 क्लर्जी, 600 इन द अपोजिट साइड थर्ड स्टेट। लेकिन राजा ने उसके लिए मना कर दिया, द ओल्ड सिस्टम विल बी प्रिवेल्ड, कि उन्होंने बोला कि जो पुरानी व्यवस्था वही चलेगी। तो उसके बाद दे बायकॉट दैट पार्टिकुलर स्टेट जनरल मीटिंग, तो थर्ड स्टेट ने उसका बहिष्कार करके, वी आर नॉट गोइंग टू इंडल्ज इन दैट पार्टिकुलर डिसीजन मेकिंग, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। दे केम आउट फ्रॉम देयर एंड ऑन 20th जून और 20 जून को दे कम टुगेदर द एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के जो लोग थे, सारे इकट्ठे हुए कहां, वर्सायले में। वर्सायले में टेनिस कोर्ट, इंडोर टेनिस कोर्ट, उसके अंदर किसके लिए, टू मेक ए न्यू क्वेश्चन ऑफ फ्रांस, फ्रांस का नया संविधान बनाने के लिए। और किस लिए बनाया संविधान, टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्की और द किंग, कि राजा की पावर को लिमिट किया जाए, वो एब्सोल्यूट तौर पर अपने डिसीजन खुद इंप्लीमेंट नहीं करते, तो उसके ऊपर भी कुछ पावर्स हो। और दूसरे वर्ड्स में कहें तो हम, टू इंप्लीमेंट क्वेश्चन मोनार्की, कि राजा का शासन संविधान के अनुसार चले, तो उसके लिए शामिल हुए। उसको नाम क्या दिया उन्होंने, जहां इकट्ठे हुए थे संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की, उन्होंने उसको नाम दिया नेशनल असेंबली। उसको क्या बोला उन्होंने, नेशनल असेंबली। अब इस नेशनल असेंबली ने 20 जून को संविधान बनाने की शुरुआत की, एंड दे हैव टेकन ओथ, वी विल नॉट डिस्पर्स टिल द टाइम वी आर नॉट गोइंग टू मेक ए कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रांस। इन्होंने शपथ खाई कि हम इस जगह से तब डिस्पर्स होंगे, तब जाएंगे, तो फ्रांस का नया संविधान तैयार कर लेंगे। अब इधर संविधान बनाने में बैठते, तो 14 जुलाई को, इन द बिगनिंग वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, 14 जुलाई को क्या हुआ था, जो फोर्ट्रेस प्रिजन थी बेस पे उसको तोड़ दिया गया था और फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हो गई थी। अब 4th अगस्त को ये जो नेशनल असेंबली थी, इसने डिक्री होता है सीधा आदेश, एक आदेश जारी किया, जिसके द्वारा इससे पहले आदेश जारी क्यों किया, इसके पास पावर कहां से आई, क्योंकि ये सारे 14 जुलाई को जो रिवॉल्यूशन हुई, इससे द एम्परर has already decided to come in the question, उसने संविधान के अंतर्गत आने का फैसला कर लिया, क्योंकि द पब्लिक वॉज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किंग और इतनी सारी प्रजा उसके खिलाफ थी, तो उसने सोचा क्यों नहीं, मैं नेशनल असेंबली के अनुसार ही शासन करूं, तो उसने अपना लिया। उसके बाद नेशनल असेंबली ने आदेश किया 4 अगस्त को, क्या आदेश दिए कि टाइथ वॉज अबूज, सबसे पहले टाइथ था क्या, टैक्स टेकन बाई सर्च, हम पढ़ चुके हैं टाइथ और टाइथ, तो टाइप क्या था, चर्च के द्वारा टैक्स को बंद कर दिया गया, चर्च कोई भी टैक्स अब नहीं लेगा। देन आफ्टर
the land which was with the church or nobles will be confiscated. कि उन्होंने दूसरा डिसीजन ये लिया कि जो भी जमीन चर्च के पास है या फिर नोबल से उसको छीन लिया जाएगा, उसको अपने कब्जे में ले लिया जाएगा, उसको अपने पास ले लिया गया। और जितने भी ड्यूज थे जो इसके ऊपर बकाया था सरकार का या फिर जो जागीरदारी पर था उसका, उसको खत्म कर दिया गया। इस सबसे को बेनिफिट क्या हुआ, आपने शुरुआत में जब 1774 में लुई सिक्स ने शासन संभाला देखा था, एम्प्टी ट्रेजरी वाज फाउंड, वो टोटल जो उनके ऊपर डेब्ट कर्जा था कितना था, 2 बिलियन, और 2 बिलियन इन्होंने यहां से रिकवर कर लिया चर्च और नोबल से उनकी प्रॉपर्टी को सीज करके कंफिस्केट करके, तो ये कर्जा पूरा हो गया नेशनल असेंबली के द्वारा। अब यहां से 4 अगस्त की आदेश के बाद इस सारा कवर करने के बाद 1791 में दे हैव कंप्लीट देयर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने संविधान बनाना शुरू किया था 20 जून को, उसको कंप्लीट कर दिया गया 1791 में। और इस संविधान में क्या था, दे लिमिट द पावर ऑफ द किंग, राजा की पावर को लिमिटेशन दे दी गई थी, और डिवाइड द पावर बिटवीन जो मॉन्टेस्क्यू ने चाह रखे थे वो इंप्लीमेंट कर दिए गए। पावर वाज डिवाइडेड बिटवीन 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो 1791 के क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की स्थापना हो गई, संवैधानिक सम्राट का शासन, यानी वो राजा तो संविधान के अनुसार काम करेगा और पावर को डिवाइड करके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, यानी अकेले सारा काम राजा के हाथ में नहीं रहा, कानून बनाने की पावर लेजिस्लेचर विधायिका को दे दी गई, और विधायिका कौन थी, नेशनल असेंबली, जिसको की डिजाइन किया गया 20 जून को नेशनल असेंबली। और ये नेशनल असेंबली कैसे इलेक्ट होती थी, नेशनल असेंबली एक पार्लियामेंट का फॉर्म था, कैसे इलेक्ट होती थी, बाय द एक्टिव मेंबर्स। अब ये एक्टिव मेंबर्स क्या है, कि ये इलेक्ट होती थी यानी इसका चुनाव होता था। तो इसमें भी हमने चुनाव में क्या व्यवस्था थी, जिन लोगों को वोट का अधिकार था उनको क्या बोला गया, द पर्सन हु हैज राइट टू वोट वर कॉल्ड एक्टिव सिटीजंस, जिनको वोट का अधिकार था वो एक्टिव सिटीजंस, और जिनको नहीं था वो पैसिव। अब इनके पास तो राइट टू वोट का और इनके पास नो राइट, डिफरेंट। अब एक्टिव सिटीजंस को, हु वर द एक्टिव सिटीजंस, एक्टिव सिटीजंस कौन थे, एक्टिव सिटीजंस वो जिनको वोट का अधिकार, वोट के अधिकार के लिए क्या कुछ कंडीशंस थी, वोट के अधिकार के लिए कंडीशंस क्या थी, एटलीस्ट 25 ईयर ऑफ एज, 25 साल और इससे ज्यादा की उम्र हो, उसके बाद ओनली मेल कंडीशन गिवन, केवल पुरुष हो महिलाएं ना हो, उसके अलावा तीसरी कंडीशन, ए पर्सन हु इज एबल टू गिव द टैक्सेस इक्वल टू द वेजेस ऑफ ए लेबर ऑफ 3 डेज, एक लेबर की 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स दे सकता हो। तो 3 कंडीशन थे एक्टिव सिटीजंस की, 25 साल उम्र हो, केवल पुरुषों को दिया गया अधिकार, और कम से कम 3 दिन की मजदूरी एक व्यक्ति की, एक लेबर की, उसके बराबर टैक्स लेता हो, यानी प्रॉपर्टी सेक्शन के अमीर लोग इसका इसके मेंबर बन सकते। तो जिनको अधिकार नहीं मिला वो पैसिव सिटीजंस, यानी गरीब लोग और महिलाएं। अब उसके बाद उस संविधान की शुरुआत भी किससे हुई थी, संविधान की शुरुआत हुई डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैरिड सिटीजन, इसमें अधिकार भी दिए गए और अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये सारे जो आज हमें कुछ मौलिक अधिकार के तौर पर मिले हुए हैं उस संविधान के अंतर्गत लोगों को वो अधिकार भी दिए गए। तो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग में द रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू डेवलपमेंट।